हाय, मैं हूँ मनीषा और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं फिर से बात करने वाली हूँ एक और किताब के बारे में। जिस किताब के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इट हैज चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी जब से मैंने ये किताब पढ़ी है। मैं बात कर रही हूँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई जूठन, जो कि मैंने 2018 में इसका पहला भाग पढ़ा था। पहला भाग मैंने इसका किंडल पे पढ़ा था, लेकिन मैं यही रेकमेंड करूंगी कि अगर आप ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की किताब को पढ़ना चाहते हैं, जूठन को पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ पेपरबैक ही इसका यूज़ कीजिए, आपको तभी मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। दूसरा खंड मैंने इसका अभी कुछ ऑलमोस्ट एक महीने पहले ही पूरा किया है। इससे पहले की किताब के बारे में बात करूँ, मैं बात करने वाली हूँ थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड के बारे में। उनके बारे में आपको बताती हूँ कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कौन थे और मैं क्यों इस किताब के बारे में बात कर रही हूँ। वेल, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे एक गांव में, और वहीं के रहने वाले थे। वो एक दलित परिवार से आते थे, वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, और ये किताब है जूठन यानी लेफ्ट ओवर। और उन्होंने बहुत सोच समझ के आई थिंक ये टाइटल चुना है, और उन्होंने खुद ही, मैं उनको कोट कर रही हूँ, पहले वाले भाग में भी उन्होंने लिखा था, सचमुच जूठन लिखना मेरे लिए किसी यातना से कम नहीं था। जूठन के एक एक शब्द ने मेरे जख्मों को ज्यादा ताजा किया था, जिन्हें मैं भूल जाने की कोशिश करता रहा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी दलित परिवार में पैदा हुए थे, घर की आर्थिक स्थिति भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। उनके पिताजी जो है वो गांव में सफाई का काम करते थे, और उनकी जो घर की औरतें हैं वो भी गांव में अपर क्लास लोगों के घरों में जाकर वहां पर काम करती थी। सो उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। सो आप समझ सकते हैं किस परिवेश से वो आते हैं। लेकिन जो चीज मैं स्पेसिफिकली बताना चाहती हूँ वो ये है, जिसकी वजह से ये जूठन पढ़ना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओपन हैं तभी आप पढ़ पाएंगे। अगर आप ऐसी विचारधारा से नहीं आते हैं कि हमें जो पता है हमें पता है, सो अगर आप ओपन हैं वर्ल्ड लिटरेचर को समझने में, अपने देश के डिफरेंट लिटरेचर को समझने में और हर तरह के लिटरेचर को पढ़ने में, आप तभी इस किताब का फायदा उठा पाएंगे। उन्होंने इस किताब में अपनी दलित होने की जर्नी लिखी है। इट इज एन ऑटोबायोग्राफी, एक्चुअली अ दलित ऑटोबायोग्राफी, और ये दलित लिटरेचर में वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स में इसको कहा जाता है। उन्होंने इस किताब में जिस तरह से अपनी यातनाओं को लिखा है, उसे पढ़ने के बाद में वो आपके अंदर की आत्मा को झकझोरेगा, आपको घृणा आएगी, बहुत सारे सवाल आपके अंदर आएंगे। मैं किताब को आपके लिए स्पॉइल नहीं करना चाहती हूँ, बट जस्ट टू गिव यू अ काइंड ऑफ ग्लिम्स कि किस तरह की चीजें लिखी गई है उनके ऑटोबायोग्राफी में, और क्यों इसको दलित लिटरेचर का वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स में काउंट किया जाता है। जब वो छोटे थे, अब समझिए कि एक छोटा सा बच्चा जो कि आज उसका पहला दिन है स्कूल में, वो स्कूल जाता है और वो उसको पढ़ाई का शौक है। वहां पर जब उससे नाम पूछा जाता है, साथ में उसकी जाति भी पूछी जाती है एक तरह से, तो उनके हेडमास्टर, एक स्कूल का बच्चा जो आज पहले दिन स्कूल आया है, उनको उनकी जाति जानने के बाद में स्कूल के आसपास सफाई करने को बोलता है कमरों में। दूसरा दिन उनको फिर से सफाई में लगा दिया जाता है। तीसरा दिन, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे दिन हो गए। वो इतना डरे हुए थे और पैशनेट थे, क्योंकि पढ़ाई के बारे में तो घर पे नहीं बताते थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। आते थे फिर से, उनको लगता था कि शायद ये बदलाव आए उनके, थोड़ा सा उनका दिमाग बदले उनके हेडमास्टर का, और वो फिर उनको पढ़ने दें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दिन वो पूरा ग्राउंड में झाड़ू लगा रहे थे, और गांव का एक छोटा जिस एरिया में वो रहते थे वहां पे उनके पिताजी क्रॉस हो रहे थे, तो उन्होंने उनको देखा और पूछा कि क्या हो रहा है। ही फेल्ट रियली बैड एंड इंसल्टेड, एंड हु वोंट। उनको ये लगा कि शायद हमारे लिए पशुओं के जो उससे शरीर से वो चमड़ा निकालना ही बेहतर ऑप्शन है, और यही करना होगा, या जो मैं काम करता हूँ वो काम करना ही बेटर ऑप्शन है। तो कुछ टाइम तक उनको स्कूल भी नहीं भेजा। गांव वालों से बात की तो कहीं ना कहीं यही कह रहे थे कि अरे तुम्हारी जाति में कौन पढ़ता है, तो बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं मिला। बट किसी न किसी तरह वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की वापसी हुई स्कूल में, और वहां से लेकर जो छोटी छोटी जर्नी उन्होंने बताई, ही वॉज रियली गुड एट स्टडीज, उन्होंने अच्छे मार्क्स अपना 10th स्टैंडर्ड पास किया। बाद में वो इंजीनियर बने, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में काम किया, और अपने बलबूते पर
उसका उनकी जाति से कोई लेना देना नहीं था, और बहुत ही वो एक बेहतरीन इंसान के साथ में एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल एक इंजीनियर थे, लेकिन जहाँ भी उन्होंने काम किया उसके बारे में भी उन्होंने बहुत अपनी यात्राओं को इस किताब में आत्मकथा में लिखा है कि किस तरह उनका जो भी क्वालिटीज थी, जो भी उनका प्रोफेशन ज्वाइन किया था, वहाँ पर भी उनको जहाँ भी वो गए हर जगह उनको ऐसे लोग मिले जिन्होंने उनकी जाति को ऊपर रखा, उसके बेसिस पे उनको जज किया, उनको ट्रीट किया और उनकी योग्यताओं को, उनकी क्वालिफिकेशंस को, उनकी स्किल्स को नीचे दबा दिया या फिर डिस्कार्ड कर दिया, विच इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। और ये चीज़ ये किताब पढ़ने के बाद में आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। और हम नहीं कह सकते कि ऐसा तो नहीं होता या ये आज़ादी के 50 साल बाद लिखी गई किताब थी, जो पहला भाग इसका आया था और फिर दूसरा भाग उसके बाद कुछ सालों बाद, क्योंकि उनको कहा गया था, ये इतनी फेमस हो गई थी और लोग इसीलिए रिलेट कर पाए थे, जिस तरह से उन्होंने उन यातनाओं को फिर से एक तरह से मैं जीना ही कहूँगी उन्होंने लिखते हुए जिया है। एक और इंसिडेंट है जो बहुत ही अंदर क्रोध और घृणा पैदा करता है इस ताने बाने के लिए, लोगों के लिए जो उनके साथ में उस टाइम पे जिस तरह से ट्रीट कर रहे थे। वहाँ पे वो जब देहरादून वापस आते हैं अपनी पत्नी के साथ में, महीनों लग जाते हैं उनको कमरा ढूंढने में, और सबसे बड़ा कारण ये होता है कि लोग उनसे जाति पूछ रहे हैं कि हम लोग निचली जाति वालों को कमरा नहीं देते। आई थिंक ये कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है जो यातनाएं उन्होंने झेली है। और अगर आप ओपन हैं लिटरेचर को पढ़ने में, समझने में, और ऐसे जो इतने महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी यातनाओं को इतने बखूबी लिखा है, अगर आप ओपन हैं उन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए, तभी आप समझ पाएंगे जूठन का असली मतलब क्या है। आई थिंक जूठन पढ़ना एक तरह से दलित राइटिंग्स या फिर दलित लिटरेचर की तरफ, उसको समझने की तरफ एक पहला कदम है, और आपको वो कदम उठाना चाहिए अगर आप अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा और वाइड करना चाहते हैं। जिस दायरे में कई बार हम लोग अपना दायरा जो है हमें एक्सपैंड करने की ज़रूरत होती है, तो ये किताब बहुत ज़रूरी है। आई रियली फील कि हमें ऐसे इस तरह के जो लिटरेचर है, इस तरह से जो लोगों ने इतनी ऐसी पर्सनालिटीज़ हुई है जिसके बारे में लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बेहतरीन साहित्य लिखा है, हमें उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। जूठन को पढ़ना मेरे लिए एक बहुत ही अलग तरह का अनुभव था, जिसको कि मैं शब्दों में तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ इतना कह सकती हूँ कि मुझे सच में ही बहुत रिग्रेट है कि मुझे ये किताब इतनी देर 2018 में पढ़ने को मिले। बट आई ऑल्सो फील कि इट्स नेवर टू लेट अगर आप किसी चीज़ को समझना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, या आसपास के ताने बाने के बारे में बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं अपने समाज को, उस परिवेश को जिसमें आप रहते हैं। सो उसके लिए आपको ऐसी किताबें पढ़ना, ऐसा लिटरेचर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये बुक डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूँगी। कि दलित साहित्य बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखा गया है, लेकिन जो भी लिखा गया है वो इस तरह से इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाया जितना जूठन था। तो आप समझिए किसी ने अपनी यातनाओं को कितने कितने बार जिया है लिखते हुए, फिर से उसको लिखकर मिटाना और एग्जैक्ट वो फीलिंग और वो आपको मैसेज कन्वे कर पाना जो आप करना चाहते हैं, और वो सब बताना। एक्चुअली इसको आप झुटला भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये आत्मकथा है, एक ऑटोबायोग्राफी है, और इसीलिए लोग रिलेट कर पाए, और इसके फेमस होने का, इसका इतना प्रसिद्धि पाने का वो भी एक रीज़न है कि जिस तरह से इसको लिखा गया है और एक ऑटोबायोग्राफी का जिसको रूप दिया गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने थ्रू आउट अपना लाइफ जो है वो जॉब की और वो साथ में लिखते भी रहे, उन्होंने कई कविताएं लिखी। ठाकुर का कुआं उनकी कविता बहुत फेमस है, लिटरेचर फेस्टिवल में जयपुर में हुआ था, वहाँ पर कुछ साल पहले एक्टर इरफान खान जी ने वो वहाँ पर पढ़ी थी कविता, और वो बहुत टचिंग है। उनका जो भी उन्होंने लिखा है, चाहे वो नाटक थे चाहे वो किताबें हैं, वो बहुत ही एक प्योर, एक सीक्रेट जगह से आता है, और एक तरह से उस जगह से भी आता है जिसने बहुत कुछ झेला है, देखा है। ये सारी यातनाएं इस तरह से किताब में पिरो देना उसको बहुत मुश्किल होता है आई थिंक, और वो किताब पढ़ने के बाद में आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और उनकी पत्नी जो है वो वापस आ गए थे देहरादून में, उनकी लास्ट पोस्टिंग थी रिटायरमेंट, उनकी वहीं से हुई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो ब्रांच थी। रिटायरमेंट के बाद में भी उन्होंने अपनी रिसर्च को, अपनी लर्निंग्स को कंटिन्यू रखा। एज अ फेलो उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला ज्वाइन किया, उनकी
वाइफ भी उनके साथ में वहां पे रह रही थी और बाकी सारी चीजें आपको किताब में पढ़ने को मिलेगी जो भी उन्होंने लिखा है उसके बारे में। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने बहुत कुछ किया, उनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स रही है, उन्होंने बहुत सारा लिटरेचर लिखा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि उनकी जो भी उन्होंने किया, जो भी उन्होंने अचीव किया, वो बहुत ही कम है उनकी यातनाओं के सामने। एंड राइटली सो, बिकॉज उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया जहाँ जहाँ भी गए, उनकी योग्यताओं को पीछे रखकर उनके जाति को लेकर उनसे बिहेव किया गया, उनको उसी तरह से ट्रीट किया गया, सो विच इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। एंड बट या यू हैव टू रीड दिस बुक अगर आप उनको और भी अच्छे से समझना चाहते हैं एंड वॉट ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट। आई रियली हैव अ लॉट टू से अबाउट दिस बुक जूठन, बट आपको पढ़ने के बाद में ही समझ आएगा कि वाई आई लव दिस बुक सो मच। सो अगर आपने पढ़ी है जूठन तो प्लीज़ उसको बताइए लोगों को उसके बारे में, और मुझे भी कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी है जूठन। अगर नहीं पढ़ी है वो भी मुझे बताइए। एंड या आई थिंक दैट वॉज इट फॉर टूडे। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो विद अनदर बुक रिव्यू विद अनदर बुक टॉक। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर।